वेलकम स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज. ठीक है, तो अब हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ताकि हमारा वो जो टॉपिक था उसका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके. हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ स्फेरिकल मेटेलिक शेल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 10,000 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, हमारे पास एक मेटेलिक शेल है. ठीक है, और हमें ये बताया गया है कि उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हम फील कर सकते हैं, 10,000 न्यूटन पर कूलम. यानी कि यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज क्यू नॉट यहाँ पे रखती हूँ तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने ऊपर महसूस करेगा, 10,000 न्यूटन. ठीक है, और साथ ही हमें ये बता दिया गया है कि वो जो मेटेलिक शेल है उसका रेडियस है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, जिसे मैं आर से डिनोट कर देती हूँ. तो हमारे पास कहा क्या क्या है कि हमने क्या फाइंड करना है, वो ये फाइंड करना है कि फाइंड द चार्ज ऑन इट. ऑब्वियस बात है कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज कहीं पे रखा गया है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ऊपर महसूस कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कोई ना कोई चार्ज क्यू ज़रूर मौजूद है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रही है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज अपने ऊपर महसूस कर पा रहा है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या मौजूद है. ठीक है, ताकि हमें अपना जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा क्लियर हो सके कि हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमें जो गिवन है, हमें गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है एक यूनिट चार्ज के ऊपर, वो है 10,000 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, और साथ ही हमें बता दिया गया है कि वो जो मेटेलिक शेल है उसका रेडियस कितना है, वो हमारे पास है 15 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर होता है. तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि अपने मेजरमेंट्स को एक स्टैंडर्ड वे में लाने के लिए हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें. तो उसके लिए हम करते हैं कि जैसे 100 सेंटीमीटर इक्वल होते हैं 1 मीटर के. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हुआ, 1/100 मीटर के. और जो हमें गिवन है वो कितने सेंटीमीटर्स हैं, वो हमारे पास हैं 15 सेंटीमीटर. तो 15 सेंटीमीटर इक्वल हो गए 1/100 × 15 मीटर के. ठीक है, तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आ गया, 0.15 मीटर. तो हम लिख लेते हैं कि रेडियस हमारे पास आ जाएगा 0.15 मीटर. ठीक है, ये तो हमारे पास रेडियस आ गया उस मेटेलिक शेल का. और आगे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है चार्ज क्यू, के चार्ज क्यू कितना है जिसकी वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. सही, तो हम देखते हैं कि आगे हम सोल्यूशन अपना कैसे निकालेंगे. सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ये जानते हैं कि किसी भी सरफेस एरिया, यानी कि अगर इस शेल का एक छोटा सा मैं एरिया लेती हूँ, ठीक है, ऊपर से देखे मैंने एक एरिया बना लिया स्क्वायर से शेप का, इसमें जो एरिया का अपना यूनिट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, रेडियल आउटवर्ड. जाहरी बात है कि 90 डिग्री पे उसे बनाएंगे तो ये हमारे पास उस एरिया का यूनिट वेक्टर आ जाएगा. ठीक, तो हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी चूंकि इस चार्ज क्यू की वजह से वो भी रेडियली आउटवर्ड होगी. ठीक है, एक रेडियस के अलॉन्ग, जैसे देखें यहाँ पे मैं ग्रीन शेड से आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, उसकी जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है. तो दैट मीन्स कि जो एरिया है, ठीक है, एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड रेडियली है और जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी अगर मैं इसी पैच के पास बनाऊँ जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी सेम होगी. दैट मीन्स कि जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यूनिट वेक्टर एरिया, इन दोनों के दरमियान जो मेरे पास थीटा है वो क्या है, ज़ीरो. ये एक दूसरे के चूंकि पैरेलल हैं तो इनके दरमियान एंगल क्या है, मेरे पास ज़ीरो. और ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि एक एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं, उसका मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो मेरे पास होता है ई ए कॉस थीटा. ठीक है, और कॉस थीटा जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कि मेरे पास थीटा ज़ीरो है और कॉस थीटा की मेरे पास वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है 1. तो मेरे पास आ जाएगा फाई इक्वल्स टू ई ए. ठीक है, और इसी तरह से हम गॉजेज लॉ के थ्रू ये जानते हैं कि कोई भी क्लोज सरफेस जैसे कि मेटल शेल है, इसके अंदर जब मैंने चार्ज क्यू रखा, ठीक है, तो उसकी वजह से कितनी लाइंस बाहर पास हो सकेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इतनी लाइंस पास हो सकेंगी जितना इस मेटल के अंदर वाला मटेरियल पास होने देगा. ठीक है, उसे हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से. और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या होता है, वो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि हमारे पास जो स्पेस मौजूद है वो कितनी परमिशन देती है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी पास हो पाएँ.
ठीक है, तो हम उसे डिस्क्राइब करते हैं फाई टू से, पिछले वाला जो हमारा फाई था उसको वन से डिनोट करते हैं, ये वाला जो फाई टू है उसे इस तरह डिनोट करते हैं फाई टू से, और हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1/ε0 Q। ठीक है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे मेटल मौजूद है इसकी जो परमिटिविटी है, जो इसके अंदर मीडियम है, वो कितना परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर जाने की। ठीक है, तो उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग देख सकेंगे कि उस एरिया में से बाहर आ रहा है उस चार्ज की वजह से। तो हम देखते हैं कि चूंकि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई वन है वो इक्वल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई टू के, यानी कि दोनों जो हम लोगों के पास फॉर्मूलाज हैं वो हमें एक ही बात बता रहे हैं, तो इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं आपस में। ठीक है, फाई वन को इक्वेट करते हैं फाई टू से, तो हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा फाई वन हमारे पास था ई ए, ठीक है, और फाई टू हमारे पास आ गया 1/ε0 × चार्ज। ठीक है, चूंकि हम लोगों ने चार्ज मालूम करना है तो एप्सिलॉन नॉट को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास कॉन्स्टेंट की होती है 8.85 × 10^-12 कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर स्क्वेयर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, 10,000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और हमारे पास एरिया एक शेल का कितना होता है, वो होता है 4π r²। ठीक है, आर स्क्वेयर की वैल्यू भी चलें आगे लिख लेते हैं, 8.85 × 10^-12 कूलम स्क्वेयर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 10,000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू हम डाल देते हैं 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, ये देखें इतनी ज़्यादा वैल्यूज हैं तो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आर की क्या वैल्यू आई थी, आर की हमारे पास वैल्यू आई थी 0.15 मीटर। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो इस सब को जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 25 × 10^-9। ठीक है, अब हम ये जो यूनिट्स हैं इनको भी बैलेंस कर लेते हैं। मेरे पास पहले जो यूनिट्स लिखे हैं वो हैं कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे देख रही हूँ मैं कि मेरे पास यूनिट्स हैं न्यूटन पर कूलम, और उसके आगे यूनिट्स आ रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो आर स्क्वायर था जगह ज़्यादा नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैलेंस करूँ तो न्यूटन न्यूटन से कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, और एक कूलम ऊपर के एक कूलम से कटेगा तो मेरे पास कूलम बच जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 25 × 10^-9 कूलम, यानी कि ये वो चार्ज है जो एक मेटेलिक शेल के अंदर होते हुए एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 10,000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है।